नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज शाम के 4:37 के उपरांत आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़ी और भयंकर घटना होने वाली है, जो दोस्तों खुद को मौत के मुंह से छुड़ाना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों आज शाम से आप सभी की कुंडली में, आप सभी की राशि में बहुत ही बड़े राजयोग का निर्माण हो चुका है। बहुत ही बड़े और महत्वपूर्ण शुभ योग का निर्माण होने वाला है, जिनके कारण दोस्तों आप सभी को बहुत सारे क्षेत्रों में शुभ लाभ मिलने वाले हैं, शुभ फल मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यश में आपको दुश्मनों से संभलना होगा। जी हाँ दोस्तों, दुश्मन यश में आपके रास्ते पर खड़े हो जाएंगे। दुश्मन आपको गिराने के सारे जाल यश में बिछाने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो का शीर्षक है कि मौत के मुँह से खुद को छुड़ाना होगा। जी हाँ दोस्तों, बातों को बिल्कुल ही आप नज़रअंदाज मत कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपकी जीवन काल की एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण खबर लेकर आए हैं, जो कि दोस्तों आपको धन से माला माल बना देगा, जो कि आपके किस्मत के फल देकर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, परंतु वो कहते हैं कि जहाँ भी अच्छे लोग होते हैं वहाँ पर कुछ बुरे लोग होते हैं। जहाँ भी ग्रहों की अच्छी स्थिति होती है तो दोस्तों वहाँ पर ग्रहों की कुछ अशुभ स्थिति भी बन ही जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें ग्रहों का बहुत ही अच्छे निर्माण होने वाला है, जिनके कारण दोस्तों आपको 5 क्षेत्रों में 5 बड़े शुभ समाचार मिलने वाले हैं, जिनसे दोस्तों आप सभी की किस्मत भी बदल जाएंगी, जिनसे आपकी जीवन काल में जो भी परेशानी है काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी और दोस्तों आप खुशी की अनुभूति भी यशमय करने वाले हैं। परंतु दोस्तों, यशमय आपको वो कहते हैं कि कुछ लोगों से खुद को सावधान रखना होगा, कुछ कार्यों को करने से बचने होंगे। दोस्तों, इसमें आपका रखा गया सावधानी आपकी जीवन काल के लिए सबसे बड़ा कदम होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस ना करें और दोस्तों इन्हें आप शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। तो आए दोस्तों, बिना देर किए बात करते हैं कि कौन सी आपको खुशखबरी मिलने वाली है आज शाम से और कौन सी बड़ी सावधानी आपको रखनी होगी। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले दोस्तों सर्वप्रथम जो भी माता लक्ष्मी की, जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर ही कीजिएगा। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी को सदैव प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी को बता दें कि यश में आपके राशि में गजकेसरी नाम का राज्य का निर्माण होने वाले हैं। सदस्यों सर्वार्थ सिद्धि नाम का भी योग का निर्माण होने वाले हैं, जिनके कारण दोस्तों आज शाम से आप सभी के कुंडली में आपके लाभ के 5 नए दरवाजे खुलने वाले हैं। वो यानी कि दोस्तों 5 शुभ समाचार आपको आज शाम से मिलने वाले हैं। जी दोस्तों, लेकिन दोस्तों उनमें से एक ऐसे रास्ते होंगे जिनमें आपको संभलना होगा, उनमें से कुछ ऐसे कार्य होंगे जिन्हें आपको करने से बचना होगा। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखना अब आपका दायित्व होगा। वीडियो में हम आपको सारी जानकारियाँ बताएंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी से, बहुत ही महत्वपूर्ण कथा से, जो कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल के लिए और आप सभी के आने वाले भविष्य के लिए बेहद ही खास हैं। तो दोस्तों, आप इन्हें बिल्कुल ही ध्यान सुनिएगा। दोस्तों, यह कथा है मौत का बड़ा भय। एक पुरानी तिब्बती कथा है कि दो उल्लू एक वृक्ष पर आकर बैठे। एक ने सांप अपने मुंह में पकड़ रखा था, भोजन था उसका, सुबह के नाश्ते की तैयारी थी। दूसरा एक चूहा पकड़ कर लाया था। दोनों जैसे ही बैठे वृक्ष पर पास पास आकर बैठे, एक के मुंह में सांप और एक के मुंह में चूहा। सांप ने चूहे को देखा तो वह भूल ही गया कि वह उल्लू के मुंह में है और मौत के मुंह के करीब है। चूहे को देखकर उसके मुंह में रसधार बहने लगी। वह भूल ही गया कि मौत के मुंह में है। उसको अपनी जीवेश्ना ने पकड़ लिया है और चूहे ने जैसे ही देखा सांप को, वह भयभीत हो गया। वह कांपने लगा, ऐसे मौत के मुंह में बैठा है, मगर सांप को देखकर कांपने लगा। वे दोनों उल्लू बड़े हैरान हुए। एक उल्लू ने दूसरे उल्लू से पूछा कि भाई, इसका कुछ राज समझे? दूसरे ने कहा, बिल्कुल समझ में आया। जीव की रस की स्वाद की इच्छा इतनी प्रबल है कि सामने मृत्यु खड़ी हो तो भी दिखाई नहीं देती। और यह भी समझ में आया कि भय मौत से भी बड़ा है। मौत सामने खड़ी है, उससे भी भयभीत नहीं है चूहा, लेकिन भय से भयभीत है कि सांप हमला न कर दे। मौत से हम भयभीत नहीं हैं,
हम भस्य भयभीत हैं और लोभ स्वाद का, इंद्रियों का, जीवेशना का इतना बड़ा प्रगाढ़ है कि मौत 24 घंटे खड़ी है तो भी हमें दिखाई नहीं पड़ती, हम अंधे बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज का यह परम ज्ञान अगर आपको समझ में आई हो या अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आइए दोस्तों से कई साथ बात करते हैं कि आज शाम से आप सभी की कुंडली में कौन से शुभ समाचार मिलने वाले हैं और कौन सी बातों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा। जी हाँ दोस्तों सर्वप्रथम आप सभी को बता दें कि यश में भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी के कुंडली में पड़ने वाला है, जिनके कारण दोस्तों आप सभी के राशि पर ये बड़े ग्रहों का निर्माण बनने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ग्रहों का निर्माण होने से आप सभी के जीवन की बहुत सारी ऐसी इच्छाएँ हैं वह पूरी हो जाएंगी, जिनमें आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत किए हैं, आपके कर्मों का फल आज शाम से आपको प्राप्त होने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि भगवान भोलेनाथ बड़े ही भोले होते हैं, वे अपने भक्तों के कष्ट को कभी देख नहीं पाते। उनके भक्त अगर उनके जीवनकाल में सच्चे दिल से कोई प्रार्थना करते हैं तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए तो भगवान भोलेनाथ को शिवनाथ भी कहा जाता है। जो दोस्तों सच्चे मन से की गई पूजा में भगवान भोलेनाथ कुछ नहीं चाहते, बस आप एक बेलपत्र अर्पित कर दे, बेलपत्र अर्पित करने मां से ही भगवान शिव को प्रसन्न आप कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा दृष्टि यश में आपके राशि पर है, जिनके कारण दोस्तों आपको यश में बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। शादी दोस्तों आपको बता दें कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से यश में आपके धन से जुड़े सभी प्रकार की समस्याएँ समाप्त होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, धन के जो भी क्षेत्र में आपने पैसे लगाए हैं या फिर दोस्तों जहाँ से आप पैसे कमाने की सोच रहे हैं तो दोस्तों वहाँ से आपको अब पैसा कमाने का मौका मिलेगा। जो कार्य आपने किए हैं दोस्तों उनका फल आपको मिलेगा और बहुत ही शुभ मिलने वाले हैं, जिनसे आपका मन खुश हो जाएगा, जिनसे आपका हृदय प्रसन्न हो जाएगा। दोस्तों यश में आपके समाज में मान सम्मान बढ़ने वाली है, लोग आपकी वाहवाही करने वाले हैं। जो लोग आपको देखेंगे तो दोस्तों आपको देख के कहेंगे कि वह क्या किस्मत है, किस्मत हो तो ऐसी, भगवान ने इनके ऊपर क्या चमत्कार कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में ईश्वर का चमत्कार आपके साथ तो है, लेकिन यश में आपके कर्मों का फल भी आपके साथ है। दोस्तों पिछले इसमें आपने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किए हैं, बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं और ईश्वर पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास किए हैं, जिनका नतीजा है कि आज शाम से आपकी कुंडली में ये शुभ योग का निर्माण होने वाला है और दोस्तों यश में से आपको बहुत ही बड़े लाभ मिलने वाले हैं। दोस्तों आज शाम से आपको 5 क्षेत्रों में 5 शुभ समाचार मिलने वाले हैं। दोस्तों पहला क्षेत्र है, चूंकि सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र इस कलयुग का, दोस्तों वह है व्यापार का क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, जो लोग व्यापार के क्षेत्र से हैं, जो लोग व्यापार की शुरुआत किए हैं या फिर जो लोग व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, दोस्तों उन सभी के लिए आज शाम से शुभ समाचार मिलने वाले हैं। कोई ऐसा आपको खबर मिलने वाली है जिनसे आपका मन बदल जाएगा, जिससे आपका हृदय प्रसन्न हो जाएगा। जो लोग व्यापार की तलाश में हैं दोस्तों, उन्हें व्यापार की तलाश पूरी हो सकती है, उनकी व्यापार उनके हाथों में आ सकती है। जी दोस्तों, बहुत ही अच्छे आपको व्यापार मिलेगी, जिनसे आपका जीवन जीने का शलीका बदल जाएगा। दोस्तों एक प्रकार से कहें तो दोस्तों आपकी बेरोजगारी अब खत्म होने वाली है, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धन धान से अब आपका जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज शाम से आप सभी की कुंडली में जो शुरुआत सिद्धि नाम का शुभ योग का निर्माण होने वाले हैं, जो गजकेसरी नाम का राजयोग का निर्माण होने वाले हैं, दोस्तों ये आपके जीवन काल को पूर्णतया बदल कर ही जाएंगे, बशर्ते आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, जो कि हम आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं। शायद दोस्तों दूसरा क्षेत्र में आपको लाभ मिलने वाले हैं दोस्तों, वह है आपके वैवाहिक क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, जो भी लोग वैवाहिक क्षेत्र से हैं, जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, जो लोग प्रेम संबंध करना चाहते हैं या फिर जो लोग के जीवन काल में पहले से ही प्रेम संबंध है लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा अड़चने चल रही है, बहुत ज़्यादा संकट समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो दोस्तों हम आप सभी के लिए बता दें कि आपके लिए अब बहुत ही अच्छी खबर है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके लव लाइफ का जीवन बिल्कुल ही सुदृढ़ होने वाले हैं। अब आपके लव लाइफ के जीवन में खुशियों की नई फूल खिलने वाली है। जो लोग लव लाइफ में अपने पार्टनर की तलाश में हैं दोस्तों, उनकी तलाश पूरी हो सकती है, परंतु आप सभी को हमें आवाज़ बताना चाहेंगे कि जब भी आप कोई कार्य करें तो दोस्तों बिल्कुल ही आप संयम से कीजिएगा,
धैर्य के साथ कीजिएगा। दोस्तों, लव लाइफ का जीवन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लव लाइफ के मिलने से आप शुभ के जीवनकाल में आपके सारे काम बहुत सारे दूरी काम बन जाएंगे। जी दोस्तों, अब आपको आपकी जो लव लाइफ है उनका जो पार्टनर है, उनका जो सहकर्मी है, आपको मिलने वाला है। दोस्तों, बहुत ही आपके लिए अच्छा समय अब आने वाला है। बहुत सारे कष्टों का आप समाधान कर सकते हैं। आपको सहयोग करने वाला कोई ऐसा पार्टनर आपको प्राप्त होगा जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होगा। आपके जीवनकाल में आने से आपका बहुत सारा कार्य बनेगा, बहुत सारे क्षेत्रों में आप तरक्की कर पाएंगे। दोस्तों, यूँ कहें तो दोस्तों आज शाम से ग्रहों की ये स्थिति आपके लिए तो बहुत ही शुभ है, बहुत ही भाग्यशाली है। दोस्तों, आपके नसीब को चमकाने वाला साबित होगा। दोस्तों, आज शाम से ये ग्रहों की स्थिति नहीं, आपके सोया हुआ नसीब को भी ये चमका देगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों तीसरा जो क्षेत्र है जिनमें आपको शुभ समाचार मिलने वाले हैं दोस्तों, वो क्षेत्र है आपके शिक्षा के क्षेत्र के। जी हाँ दोस्तों, जो भी लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो भी लोग आधुनिक ऐसे शिक्षा के क्षेत्र से हैं, जो लोग अपने जीवनकाल में बहुत ही ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, जो लोग अपने जीवनकाल में पढ़ लिख के अपना एक ऐसा मुकाम हासिल करना चाहते हैं जिनसे उनका समाज में नाम हो, समाज में उनकी प्रशंसा हो, समाज में उनका एक ऐसा पद हो जिनको लोग देख कर भी उनको सलाम करे। जो दोस्तों, कुछ ऐसी इच्छा रखने वालों की भी यश में इच्छा पूरी होने वाली है, बशर्ते आपको अब अपने मेहनत में जितना भी आप लगन करते आ रहे हैं दोस्तों, उतना ही मेहनत के साथ, उतना ही लगन के साथ अपने कार्यों में आप लगे रहें। जी दोस्तों, यही आप बात आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी चाबी होगी कि दोस्तों ग्रहों की स्थिति इतना शुभ है कि अब आपको शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा वृद्धि देखने को मिलेगा। जी दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े जो भी लोग हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा पुरस्कार मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए अब एक नया दौर आने वाला है। जो लोग बहुत ही मेहनत से पढ़ लिख रहे थे दोस्तों, उनके जीवनकाल में अब खुशियों की एक नई सिंगारी जलेगी। आपके जीवनकाल में उम्मीद की एक नई किरण जगने वाली है। कुछ आपको ऐसे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कुछ आपको ऐसे संकेत मिल सकते हैं जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस क्षेत्र में आप पढ़ रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप अपना ध्यान लगा रहे हैं दोस्तों, यकीन मानिए उन्हीं में आपको ऐसा लाभ मिलेगा, उन्हीं में आपको ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिनसे आपका मन प्रसन्न होना निश्चित है। जी दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों चौथा जो क्षेत्र है जिनमें आपको लाभ मिलने वाले हैं, जिनमें आपको बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी मिलने वाली है, जिनसे आपका मन बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होने वाले हैं दोस्तों, वह क्षेत्र है आपके लिए आपके स्वास्थ्य का क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, जो लोग पिछले कई समय से अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, स्वास्थ्य की समस्याएँ आपकी खत्म नहीं हो रही है, जो भी दवाई लेते हैं, जो भी आप अपने ऊपर पैसे खर्च करते हैं कि आप ठीक हो जाए, वो काम नहीं करती है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब ग्रहों की शुभ स्थिति है जिनसे आपको अचानक से आराम मिलना शुरू हो जाएगा। ईश्वर का देवी शक्तियां भी आपके साथ रहेंगी, जिनसे दोस्तों कोई भी दैत्य दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आपके स्वास्थ्य में बहुत ही अच्छे सुधार देखने को मिलेंगे। जो लोग को जोड़ों में दर्द हैं, घुटनों में ऐसी समस्याएं हैं, जो लोग सल नहीं पाते हैं, उन सभी के लिए राहत भरी संकेत है कि आप सभी को अब बहुत ही अच्छी स्वास्थ्य की अनुभूति होने वाली है। आप खुद को तरोताजा महसूस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जो लोग के पिछले किस्में से पेट में गैस की समस्याएं चल रही थी, जो लोग पेट के रोग से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, श्वास लेने में जिनको दिक्कत हो रही थी दोस्तों, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छे शुभ समाचार हैं। ग्रहों की ये स्थिति आपको यह दर्शा रही है कि स्वास्थ्य में आपको बेहतर लाभ देखने को मिलेंगे। बस आपको करना क्या है कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा आपको खुद भी करना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे खाना खाने से बचें जो कि दोस्तों आपके स्वास्थ्य को लेकर हानिकारक हो। ऐसे जगहों पर ना जाएं जहां पर जाना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो। जी दोस्तों, हमेशा आपको पॉजिटिव वातावरण में रहना है और अपने मन में आपको कभी भी गलत ख्याल नहीं लाने हैं कि यह कार्य कैसे पूरा होगा, वो कार्य कैसे होगा। दोस्तों, इनसे बहुत सारे व्यक्ति के मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाते हैं और मानसिक रोगी भी बहुत सारे इंसान बन जाते हैं। तो दोस्तों, हर कार्य की एक सीमा है और वही सीमा पर वो कार्य आपका पूरा हो जाएगा। बस आपको समय का इंतजार करना है, बस आपको धैर्य नहीं खोना है। धैर्य के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों आपके जीवनकाल में खोई हुई चीज़ भी आपको प्राप्त होगी, जो भी नुकसान है उनकी भी भरपाई होगी। बशर्ते दोस्तों आप अपने ही उसी तरह पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़िए, आपका हर कार्य होगा। ईश्वर के प्रति आप मन लगा कर चलिए। जी दोस्तों,
और दोस्तों आप सभी को बता दें कि पांचवां जो क्षेत्र है जिनमें दोस्तों आपको लाभ मिलने वाले हैं दोस्तों वह है आपके पारिवारिक जीवन घर परिवार। दोस्तों आप सभी को बता दें कि पिछले कई समय से आपके घर परिवार में कुछ ऐसे नोक झोंक हो रहे थे जिनके कारण दोस्तों घर परिवार की स्थिति थोड़ी सी बिगड़ भी गई थी। ये दोस्तों कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनके रिश्ते नाते भी टूट गए हैं, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब घर परिवार का माहौल बहुत ही खुशनुमा होने वाले हैं। जो दोस्तों घर का जो वातावरण है वो बहुत ही अच्छी स्थिति में आने वाली है। घर में सभी लोगों का सपोर्ट अब आपको मिलने वाला है। जो लोग आपसे नाराज थे, जो लोग आपसे बात नहीं करते थे, दोस्तों यश में घरों की ऐसी स्थिति है कि लोग आपसे बात करेंगे और आपका सहयोग भी करेंगे, जिससे दोस्तों आपका जो मन है वो बहुत ही प्रफुल्लित हो उठेगा, जिनसे आप खुशी से उछलने लगेंगे। ये दोस्तों बहुत ही घरों की अच्छी स्थिति है और ईश्वर का आशीर्वाद भी आपके साथ है, तो दोस्तों आपको अब घबराने की कोई बात नहीं है। ये दोस्तों समय आ गया है जब आपके सारे अच्छे कर्म का फल आपको मिलने वाले हैं। ये दोस्तों आप सबको बता दें कि यश में आपको कौन सी सावधानी रखनी है। दोस्तों सबसे पहला और महत्वपूर्ण सावधानी है कि ये दोस्तों आपको कभी भी ईश्वर के ऊपर से भरोसा नहीं उठाना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे जातक हैं जिनके कारण ही बनने पर वो ईश्वर को ही बुरा कह देते हैं कि ईश्वर नहीं है या फिर ईश्वर कभी हमारे दुखों को नहीं देखते हैं। जी दोस्तों, तो दोस्तों आपको हम यहाँ पर सावधान करना चाहेंगे कि कभी भी ईश्वर के ऊपर से अपना भरोसा ना उठाएं। जी दोस्तों, ईश्वर जहाँ भी हैं, ईश्वर जब भी हैं, दोस्तों वे आपके साथ हैं, वे आपके सारे कार्यों पर नज़र रख रहे हैं। दोस्तों आपको पता नहीं चल रहा है कि आपके साथ क्या सही और क्या गलत हो रहा है, लेकिन दोस्तों आपके साथ जो हो रहा है वे सही हो रहा है और ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। बस आपको इस बात का ध्यान अपने ऊपर रखना है, इस बात का ख्याल आपको हमेशा रखना है। दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवनकाल में हमेशा सकारात्मक ऊर्जाएं ही रहेंगी। जी दोस्तों, ईश्वर को चाहने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों बस आपको करना क्या है कि ईश्वर को अपने दिल में जगह देनी है। ईश्वर को हमेशा आपको सर्वोपरि मानना है। ईश्वर को आपको हमेशा उनके ऊपर विश्वास करना है। जी दोस्तों, विश्वास की डोर कभी भी आप ईश्वर के ऊपर से ना तोड़ें। दोस्तों ईश्वर कहीं पर भी नहीं है, जहाँ पर विश्वास है वहीं पर ईश्वर है। दोस्तों आप सभी को एक हम बात बता दें कि एक भक्त था जिनके जीवनकाल में बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ थी, बहुत ही ज़्यादा कष्ट थे और वह भक्त बहुत ही ज़्यादा निराश हो गए थे। वो शिव की भक्ति करते थे जी दोस्तों, और उनकी कोई चारा अब नहीं चलने लगा था कि वो कोई कार्य कर सके, हर क्षेत्रों में उनको नुकसान हो गया था। लेकिन दोस्तों वो तो शिव के भक्त थे, वो करे तो क्या करे। लेकिन दोस्तों आप शिव को बता दें कि वो कभी भी ईश्वर के ऊपर से भरोसा नहीं उठाए थे, और दोस्तों जब अंत में उनके चारों ओर अंधेरा छा गया, जब मरण काल की स्थिति आ गई, तो दोस्तों ईश्वर उनके साथ साक्षात तो नहीं आए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ईश्वर ने साक्षात रूप बदल कर उनकी सहायता की और उनको यह भी बताया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम डरते क्यों हो, ये मुसीबत तो कलयुग की है, मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा से हूँ। जी हाँ दोस्तों, और वो भक्त के आंखों में जो भी खुशी के आंसू आए उनका कोई ठिकाना नहीं था। जी दोस्तों, उनका जीवन फिर से खुशियों से जगमग हो गया। और दोस्तों इसी प्रकार अब आपके भी जीवनकाल में होगा, ईश्वर आपके साथ है, तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, नहीं है। जो दुख आपके आज हैं वो कल नहीं होगा, जो कष्ट आपके आज है वो कल नहीं होगा, बस आपको ईश्वर के ऊपर ध्यान रखकर चलना है। दोस्तों ये आपके जीवनकाल की बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण सावधानी है, आप इन्हें ध्यान में रखिएगा। शायद दोस्तों दूसरा जो सावधानी है दोस्तों वो ये है कि आज शाम से आप सभी के जीवनकाल में खुशियों का पहाड़ खड़ा होने वाला है। यानी कि दोस्तों खुशियों की नई दुनिया आपकी बनने वाली है, जिनमें आपको बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि आपके दुख में साथ नहीं थे और अब आपके साथ आने वाले हैं। तो दोस्तों हम आप सभी को यहाँ पर सचेत करना चाहेंगे कि संभल कर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें ऐसे लोगों से जो लोग आपके दुख में साथ नहीं थे और आज सुख में साथ देने आए हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे दुश्मन हैं जो कि आपके ऊपर षडयंत्र कर सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी कार्य करने से पहले आप हमेशा की तरह अच्छे दिमाग से, शांत दिमाग से सोचें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यशमीन कार्य को कर लेंगे तो दोस्तों आपके ऊपर कोई भी बुरी शक्ति या फिर कोई भी मनुष्य आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जी दोस्तों, आपको सावधानी बस रखनी है कि अपने कार्यों को आपको ध्यान में रखना है। जो भी आप कार्य करेंगे आज से दोस्तों बहुत ही सोच समझ कर करेंगे। जी दोस्तों, ये जो सावधानी है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सावधानी है,
और शायद दोस्तों इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण उपायों को ज़रूर ही करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों अपने छत पर आप हमेशा एक कटोरी में पानी रखें, जो दोस्तों और चिड़ियाँ के लिए जो भी पक्षी है उनके लिए दाना जरूर रखें। जी हाँ दोस्तों, अपने छत पर आप आज से ही ये चीज़ों का व्यवस्था कराएं। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आज ही नहीं दोस्तों, संयकाल में आने वाले युग में भी ये आपके कर्मों का फल आपके साथ रहेगा। तो दोस्तों हमेशा आप ऐसे उपाय करें। साथ ही अगर आप ज़रूरतमंदों को दान भी करते हैं तो दोस्तों ये भी आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। दोस्तों वीडियो को ज़रूर ही लाइक कीजिएगा। शायद दोस्तों और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।